हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट की सबसे फेमस सब्जी कढ़ाई पनीर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े ड्राई मसाले रोस्ट करूंगी। ये मैंने दो सूखी लाल मिर्चें डाली हैं। एक टेबलस्पून मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। 10-15 इसमें काली मिर्ची डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून सूखा धनिया डाल रही हूँ। इन सबको थोड़ा सा भून लेंगे, जीरे का कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे। ये देखिए, धनिया और जीरा में से अच्छी अच्छी भुनने की खुशबू आने लग गई है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद इसका मैं या तो आपके पास मसाला कूटने वाला जो होता है उससे दरदरा कूट लें या मिक्सी में, लेकिन इसका फाइन पाउडर नहीं बनाएं। अब मैं आगे की तैयारी करूँगी। अब एक दूसरे पैन में 1 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ। 1 इसमें तेज पत्ता डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। एक कप मैं इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये देखिए, प्याज लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। अब मैं इसमें, ये मैंने 1 कप टमाटर चॉप किए हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए थे। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। अब इसमें 1 कप टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से रगड़ के इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इस मसाले को दूसरी गैस पे शिफ्ट कर रही हूँ। इसके घी, जब तक इसमें से घी अलग नहीं हो जाता, इसको स्लो गैस पे भूनेंगे और दूसरी इस गैस पे मैं आगे की तैयारी करूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर डाला है। ये देखिए, 2 प्याज के मैंने इस तरह के जूलियंस काट लिए हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 1-2 मिनट तक इसको सौते करूँगी। ये देखिए, ये मैंने आधी आधी शिमला मिर्ची, लाल, पीले, हरे और ऑरेंज कलर की लिए हैं, इनको भी मैंने डाइस काट लिया है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके पास जो कलर की अवेलेबल हो वही कलर की डाल सकते हैं। इसको भी 1-2 मिनट तक सौते करूँगी। गैस के फ्लेम को फुल पर ही रखें। ये देखिए, ये मैंने 500 ग्राम पनीर को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ड्राई मसाले जो भुने थे, ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से दरदरे से पीस लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये देखिए, सभी पीसेस पे मसाला अच्छे से कोट हो गया है। अब इसको ग्रेवी में डालेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें ये जो हमने सब्जियां तैयार की हैं ऐड करूंगी। ढक्कन लगा के मैं इसे 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। हमारा कढ़ाई पनीर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, कितना सुंदर रंग का, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं इसको सर्व करूंगी। लीजिए, बनके तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।